मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 66 में। आपको क्या लगता है मेल्टिंग प्रोसेस मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कैसे पॉसिबल होता होगा? अगर आप इस बर्फ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बर्फ के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी रिसीव करने के बाद अपने फिक्स्ड पोजीशन से दूर दूर जाने लगते हैं और इस तरह इवेंचुअली बर्फ पानी में बदलकर बहने लगता है। और आगे अगर आपने पानी को भी हीट एनर्जी देना शुरू कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में ग्रेजुअली एस्केप करने लगते हैं। इस इवेपोरेशन प्रोसेस को हमने एपिसोड नंबर 6 में डिटेल में डिस्कस किया है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नेक्स्ट, इवेपोरेशन के बिल्कुल उल्टे प्रोसेस से बने इस ग्लास सरफेस पर जमा हुए इन फॉगी वाटर ड्रॉप्स को देखिए। वाटर मॉलिक्यूल्स के इस रिफ्रेशिंग यूनियन को कंडेंसेशन कहा जाता है। बेसिकली वाटर वेपर कोल्डर सरफेस के कांटेक्ट में आकर फिर से लिक्विड ड्रॉप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक बीकर में कुछ आइस क्यूब्स लेकर उन्हें स्लोली हीट अप करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे बर्फ धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज जब तक बीकर में बर्फ बाकी है तब तक इस आइस और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होता। इसका मतलब आप जो कंटिन्यूअस हीट सप्लाई कर रहे हो वो आइस वाटर मिक्सचर के टेम्परेचर को न बढ़ाकर पूरा का पूरा बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने में जुटा हुआ है। इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं फेज चेंज के दौरान जैसे अभी के केस में मेल्टिंग ऑफ आइस सॉलिड और लिक्विड के बीच एक थर्मल इक्विलिब्रियम बना रहता है। अब आपके लिए एक सवाल, हम अक्सर कहते हैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इज इट ऑलवेज ट्रू? अगर हमने प्रेशर को कम या ज्यादा कर दिया तो भी क्या आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा? थिंक अबाउट इट। अगर देखा जाए तो साइंस को पढ़ने का असली मजा तो एक्सपेरिमेंट से ही आता है कि नहीं? तो फिर चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक आइस का स्लैब लीजिए और एक मेटल वायर के दोनों ओर हैवी लोड बांधकर उसे आइस स्लैब के ऊपर लटका दीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी देखते ही देखते मेटल वायर आइस स्लैब के आर पार निकल गया है और इसके बावजूद आइस स्लैब के दो टुकड़े नहीं हुए हैं। दिस इज फैसिनेटिंग है ना? लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअली मेटल वायर पर बंधे लोड के प्रेशर के कारण आइस लोअर टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जा रहा है और जैसे ही मेटल वायर आगे निकल जाता है पिघला हुआ पानी फिर से जम जाता है। इस रिफ्रीजिंग फेनोमेना को रिजेलेशन कहते हैं। क्लियरली आइस के मेल्ट होने में प्रेशर की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपको पता है इस तरह प्रेशर के एप्लीकेशन के कारण आइस के मेल्टिंग के चलते ही आइस स्केटर्स बर्फ के रफ सरफेस पर भी कंफर्टेबली स्लाइड कर पाते हैं क्योंकि स्केटिंग शूज के नीचे हाई प्रेशर के कारण बना पानी बिल्कुल एक लुब्रिकेंट के जैसा काम करता है। नेक्स्ट, जिस प्रकार प्रेशर बर्फ के मेल्टिंग पॉइंट को कम या ज्यादा कर सकता है ठीक उसी प्रकार प्रेशर पानी के बॉइलिंग पॉइंट को भी प्रभावित करता है। चलिए इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पर एक नजर डालते हैं। लेह और कारगिल जैसे हिल स्टेशन में खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है और प्रेशर कम होने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी गिरने लगता है, मतलब पानी लोअर टेम्परेचर पर ही वेपर बनकर उड़ने लगता है। अब आप ही बताइए पूरा का पूरा पानी वेपर बनके उड़ गया तो खाना किसमें बनाओगे? इंटरेस्टिंगली बिल्कुल इसका उल्टा, प्रेशर कुकर में हायर प्रेशर के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और इसलिए आपको प्रेशर कुकर में खाना बनाते देर नहीं लगती। नेक्स्ट, अगर सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बीच होने वाले फेज चेंजेस को एक प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में प्लॉट किया जाए तो जहां पर सॉलिड और लिक्विड थर्मल इक्विलिब्रियम में है वहां पर फ्यूजन कर्व, जहां पर लिक्विड और गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है वहां पर वेपराइजेशन कर्व और जहां पर गैस और सॉलिड
थर्मल इक्विलिब्रियम में है वहां पर आपको एक सब्लिमेशन कर्व बनता हुआ दिखाई देगा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज जहां पर सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व और फ्यूजन कर्व आकर मिलते हैं उस स्पेशल पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग, ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर और टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस के तीनों फेज सॉलिड, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। पानी के लिए ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 6.117 मिलीबार होता है। इसे ध्यान में रखना। नाउ हियर इज अ फन फैक्ट। आपको पता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड या तो गैसियस फेज में या सॉलिड फेज में ही एग्जिस्ट कर सकता है। इसे कंफर्म करने के लिए आप ड्राई आइस को हीट अप करके ही देख लीजिए। ड्राई आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधे कार्बन डाइऑक्साइड वेपर बनके उड़ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक रोचक कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।